प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरिता सिंह आज आप लोगों को हिंदी वसंत के पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर के बारे में बताऊंगी। रक्त और हमारा शरीर के लेखक यतीश अग्रवाल जी हैं। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे, अर्थात लेखक का जीवन परिचय। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर यतीश अग्रवाल, अर्थात रक्त और हमारा शरीर के लेखक कौन है? यतीश अग्रवाल। उनका जन्म 20 जून 1959 में बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। यतीश अग्रवाल जी का जन्म 20 जून 1959 में बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। संप्रति अर्थात इस समय दिल्ली के सफरदंग जिले अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक हैं। यतीश अग्रवाल जी इस समय दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर अग्रवाल देश में स्वास्थ्य और जनप्रिय आयुर्विज्ञान साहित्य के प्रमुख रचनाकारों में से हैं। डॉक्टर यतीश अग्रवाल देश के उन चुनिंदा चिकित्सकों में से हैं जो अस्पताल के बाहर भी देशवासियों के स्वास्थ्य के प्रति मन प्राण से समर्पित हैं। ये सिर्फ अपने अस्पताल में नहीं, वे उन बाहर भी अपने देश के लोगों की सेवा करते रहते हैं। अब हम आते हैं अपने शीर्षक पर। तो पाठ का शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर। तो रक्त का अर्थ होता है खून। तो खून का हमारे शरीर में क्या कार्य है? तो हमें इस शरीर को जीवित रखने के लिए रक्त की ज़रूरत पड़ती है। हमें जिंदा रखने के लिए रक्त की ज़रूरत है। यह शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन और पोषक तत्व लाता है ताकि वे काम कर सकें। जो खून है, रक्त है, वो शरीर के भागों में ऑक्सीजन और पोषक तत्व लाता है ताकि वो क्या करें, वे काम कर सकें। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थ जैसे फेफड़े, गुर्दे और पाचन तंत्र को शरीर से निकाला जा सकता है। रक्त भी संक्रमण से लड़ता है और शरीर के चारों ओर हार्मोन करता है। जो रक्त है वो जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ता रहता है और क्या होता है, और हमारे अंदर हार्मोन को पैदा करता रहता है। तो ये था हमारे शीर्षक के बारे में। तो आइए अब जानते हैं कि इस पाठ में लेखक क्या बताना चाहते हैं, रक्त और हमारा शरीर के माध्यम से हमें वो क्या बताना चाहते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में रक्त, खून और उसकी कमी से होने वाली बीमारियों, खून की संरचना, खून बहने पर किए जाने वाले उपायों, इन बीमारियों से बचने के लिए पोषक आहार तथा ब्लड बैंक के विषय में जानकारी दी गई है। जो हमारा शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर, इसमें लेखक ने हमें बताया है कि जब हमें हमारे शरीर में खून की कमी होती है तो हमें कौन सी बीमारियां होती है और हम खून का अपने शरीर में खून का निर्माण कैसे कर सकते हैं और जब खून बहने लगता है तो उनको कैसे रोका जा सकता है। इन बीमारियों से बचने के लिए उन्होंने हमें पोषक आहार, जो संतुलित पोषक आहार होते हैं, हमें क्या क्या लेना चाहिए उसके बारे में, और जो ब्लड बैंक है जहां हम अपने ब्लड को देते हैं और हमारा ब्लड सुरक्षित रहता है, तो उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो आज हम इस वीडियो में यतीश अग्रवाल जी का जीवन परिचय, शीर्षक के बारे में और इसके किस में लेखक ने हमें क्या बताया है इसके बारे में जानेंगे। अगले वीडियो में हम पाठ को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे।